जब भी हम पक्षियों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आती है? उड़ान। उड़ने की इसी चाहत में इंसान ने विमान जैसा आविष्कार कर डाला। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पृथ्वी पर 9 से 10 हजार तरह के अलग अलग परिंदे रहते हैं और अगर उन सब की संख्या को हम जोड़ दें तो वो 50 अरब के आसपास बैठती है। मज़ेदार बात यह है कि कई पक्षी तो उड़ ही नहीं पाते। एक या दो नहीं बल्कि ऐसी दर्जनों प्रजातियां हैं जो पक्षी होने की शर्त को तो पूरा करती हैं लेकिन पंख होने के बावजूद उड़ नहीं पाती हैं। ऐसी कुछ प्रजातियों को आप भी जानते होंगे, जैसे कि शुतुरमुर्ग, कीवी या फिर पेंगुइन को ही लीजिए। कहीं आप ये बात जानकर हैरान तो नहीं रह गए कि पेंगुइन भी एक पक्षी है? जी हाँ, ना उड़ने वाला पक्षी। ज़्यादातर पेंगुइन दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। पेंगुइनों को सर्दी बहुत पसंद है, फिर भी उत्तरी ध्रुव में पेंगुइन नहीं पाए जाते। आखिर क्यों? चलिए पता लगाते हैं। पेंगुइन आर्कटिक में नहीं होते, लेकिन क्यों? उत्तरी ध्रुव अपने ध्रुवीय भालुओं के लिए मशहूर है, जो धरती के सबसे बड़े परभक्षियों में से हैं। उन्हें पेंगुइन खाना भी शायद बहुत अच्छा लगता। पेंगुइन भी ठंड को बहुत पसंद करते हैं, फिर भी आर्कटिक की बर्फीली जलवायु में वो कभी नहीं पाए जाते। पेंगुइनों की लगभग 20 अलग अलग प्रजातियां हैं। उनकी एक प्रजाति को छोड़कर बाकी सभी दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। सिर्फ गालापागोस पेंगुइन उत्तरी इक्वेटर पर स्थित गालापागोस द्वीप पर पाए जाते हैं। उनकी बाकी प्रजातियां दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। कुछ ही पेंगुइन प्रजातियां दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका में मिलती हैं। यहां तटीय इलाका पेंगुइनों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो समंदर में शिकार करते हैं जिससे उन्हें पौष्टिक खाना मिलता है। उन्हें क्रिल बहुत पसंद हैं, लेकिन वो एंचोवी मछलियां, केंकड़े और यहां तक कि ऑक्टोपस भी खा जाते हैं। लेकिन ना उड़ने वाले इस पक्षी का ज्यादातर बचपन जमीन पर ही बीतता है। कुछ प्रजातियां छोटे छोटे पत्थरों में घोंसला भी बना लेती हैं, जबकि दूसरी प्रजातियां चट्टानी बिलों और गुफाओं में अंडे देती हैं, जैसे कि मैजेलानिक पेंगुइन। अफ्रीकी पेंगुइन बीच पर ही घोंसला बना लेते हैं, रेत में एक गड्ढा खोदकर। पेंगुइन 1 से 2 महीने के अंदर अपने अंडे सेते हैं। ऐसे में उत्तरी ध्रुव की परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल नहीं हैं। चूंकि वहां कोई ठोस जमीन नहीं होती, जमी हुई बर्फ है वो भी चलती रहती है। कुछ पेंगुइन प्रजातियां नरम मौसम में रह सकती हैं, लेकिन गर्मी किसी को पसंद नहीं। इसीलिए ट्रॉपिकल इलाके का गर्म मौसम उन्हें दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने में बाधा बनता है। फिर भी हाल के दशकों में कुछ पेंगुइन उत्तर में देखे गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वो खुद तैरकर वहां नहीं पहुंचे होंगे। उन्हें शायद मछली पकड़ने वाली नौकाएं वहां ले गई होंगी, जो उत्तर में कनाडा के तट तक जाती हैं, या फिर क्रूज शिप उन्हें वहां ले गए होंगे। पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सेंट्रल अंटार्कटिका में कोई पेंगुइन नहीं होते। दक्षिणी ध्रुव समुद्र से बहुत दूर है। वहां तक कुछ ही पक्षी प्रजातियां पहुंच पाती हैं, जैसे कि दक्षिण ध्रुवीय स्कुआ, और ये उड़ सकता है। दक्षिणी गोलार्ध के आसपास रहने वाले पेंगुइन हों या फिर आर्कटिक में रहने वाले ध्रुवीय भालू, सभी का बसेरा आज संकट में है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर ध्रुवों पर भी होने लगा है। जितनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी, वहां रहने वाली प्रजातियों के लिए उतनी ज्यादा मुश्किलें होंगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का कहना है कि 2050 तक ध्रुवीय भालुओं की संख्या में 30% की कमी आ सकती है, जबकि एम्परर पेंगुइन्स पर हुई एक रिसर्च कहती है कि इस सदी के आखिर तक उनकी आबादी 98% तक कम हो सकती है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर लाखों वर्ग किलोमीटर के इलाके में बर्फ ही बर्फ फैली है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ की मोटी चादर दिखाई पड़ती है, जो सैकड़ों हजारों बरसों के दौरान तैयार हुई। पृथ्वी पर ज्यादातर ताजा पानी बर्फ की इन्हीं चादरों में मौजूद है। आर्कटिक महासागर भी अपने तैरते विशाल हिमखंडों के लिए जाना जाता है।
आज पृथ्वी का 10% क्षेत्र ग्लेशियरों की बर्फ से ढका है। ऐसा 90% इलाका हमारे दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में पड़ता है, जबकि 10% इलाका उत्तरी ध्रुव पर बसे ग्रीनलैंड में। लेकिन दोनों ही जगहों पर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों का ठंडा पानी पिघलकर जब समंदर के गर्म पानी से मिलता है तो महासागरों की धारा धीमी हो जाती है, और बर्फ के पिघलने से महासागरों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, और इसके पीछे जलवायु परिवर्तन ही वजह है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का कहना है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए अगर हम आने वाले दशकों में कार्बन उत्सर्जन में अच्छी खासी कटौती कर लें, तब भी दुनिया के 1/3 ग्लेशियरों को इस सदी के आखिर तक हम खो देंगे। जहां तक बात समुद्री बर्फ की है तो आर्कटिक में सबसे पुरानी और सबसे मोटी बर्फ में से 95% को हम पहले ही खो चुके हैं। इस बर्फ के पिघलने से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर रहने वाले जीवों पर घातक असर हो रहे हैं। लेकिन आखिरकार इंसान भी इसके प्रभावों से अछूते नहीं रहेंगे। इस पृथ्वी का अस्तित्व ध्रुवों पर जमा बर्फ से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड यानी सबसे बड़ा द्वीप है, जो 21 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ है। ग्रीनलैंड आमतौर पर जमा हुआ रहता है, लेकिन अब वहाँ का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक अध्ययन बताता है कि बीते 1000 साल में ग्रीनलैंड कभी इतना गर्म नहीं रहा जितना अभी है। 2019 में समुद्र का जितना भी जलस्तर बढ़ा उसमें से 40% के लिए आर्कटिक में पिघली बर्फ जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये बर्फ यूं ही पिघलती रही तो हमारे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जाएगा, फिर क्या, दुनिया के एक बड़े हिस्से पर डूबने का खतरा मंडराने लगेगा। इसीलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी साझा करिए, और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये भी सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।